हेलो ट्रू एस्पिरेंट्स, वापस स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चैप्टर सिक्स की, राइट? दिस इज चैप्टर सिक्स और इसमें अब तक हमने टेक्सटाइल की बात कर ली है ना। सेकंड पार्ट टू समझते हैं और बात करते हैं स्टील की। तो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोफेशन इस समय जो है वो है स्टील। तो टीपू सुल्तान का एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में कि टीपू सुल्तान की जो है स्वोर्ड है, राइट, है ना, इसमें मेटलर्जी देखने ही लायक है, कमाल की मेटलर्जी है। इसमें जो बेसिकली जो आयरन है उसको आप अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उसमें पानी फ्लो कर रहा है, राइट, है ना। उसमें एक तरफ से जो लाइट मूव करेगी तो थोड़ा सा फ्लोइंग वाटर का फीलिंग आएगा इस स्वोर्ड में। दूसरा, यहाँ पे देखिए शेर वगैरह भी बना रखा है, राइट। तो द पॉइंट इज कि इंडिया हैड ग्रेट, यू कैन से, स्मेल्टिंग टेक्नीक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब ब्रिटिशर्स की एंट्री हो रही है। तो हाई कार्बन स्टील इंडिया में जाना जाता है और इसका नाम है वुड्स। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस कहीं आंसर लिखना हो तो वुड्स हम नाम ध्यान रखेंगे। तो वुड स्टील के लिए हम जाने जाते हैं। दिस इज अ वेरी गुड, यू कैन से, जो है हाई कार्बन स्टील, राइट। तो इसमें क्या करते हैं लोग कि कार्बन क्रिस्टल्स एम्बेड कर देते हैं, तो आयरन को, आयरन ओर को कार्बन के साथ स्मेल्ट करते हैं और उससे वो स्टील जो है फॉर्म करते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन टेक्नोलॉजी। आयरन को चारकोल के साथ मिक्स करके आप किसी क्ले पॉट में गर्म करेंगे और उससे जो है उससे आप बेसिकली स्टील प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे दिस इज वेरी वेरी कॉमन। एंड ये समझिए कि जो है कहा जाता है कि ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है क्लोज टू गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस जहाँ पे इस प्रोसेस को फॉलो ना किया जा रहा हो। कॉमन वर्ड जैसे कनाडा में उसको उक्कू कह रहे हैं, तेलुगु में हुक्कू कह रहे हैं, मलयालम में उरुक्कू कह रहे हैं। तो वुड स्टील इज वेरी वेरी कॉमन इन इंडिया। इनफैक्ट इट इज सो पॉपुलर कि माइकल फैराडे ऑलमोस्ट 4 साल स्टडी कर रहे हैं कि हमारे वुड स्टील में प्रॉपर्टीज क्या क्या है, राइट। तो साउथ इंडिया में भी अच्छा खासा पॉपुलर है। डिक्लाइन होगा 1850 के बाद, हम इंपोर्ट करने लगेंगे इसको भी फ्रॉम ब्रिटेन एंड ये हमारी इंडस्ट्री को डिवास्टेट कर देगा। अब आइए थोड़ी देर में समझेंगे। जैसे कि मैं कह रहा था कि आयरन स्मेल्टिंग काफ़ी ही कॉमन है, तो आपको हर जगह स्लैग हीप्स मिलेंगे, मतलब जो रिमेन होता है जब आप आयरन या स्टील आप बनाते हैं तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट बनता है विच इज स्लैग, तो स्लैग आपको जगह जगह मिलेगा। और इनफैक्ट हम उन जो इंडियंस हैं बेसिकली वहाँ से आयरन अच्छा निकाल रहे हैं, अच्छा आयरन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन ओर को शायद यूरोपियंस यू नो कंसिडर भी ना करें। तो ये टेक्नोलॉजी, ये टेक्निक हमारे पास थी एंड डेफिनेटली जो है हमें काफ़ी, यू कैन से, एडवांटेज था विद रिस्पेक्ट टू स्टील। बट विद जो है एडवेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स ये जो टेक्निक है ये धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। बिहार, सेंट्रल इंडिया, इन सब जगह यू नो ये फर्नेसेस हुआ करती थी, बट नाउ ये फर्नेसेस डिक्लाइन होने लगेगी। समझिए कि जो फर्नेसेस हैं ये फर्नेस बनाते थे बिल्कुल बेसिक, तो क्ले और सन ड्राइड ब्रिक्स यूज कर रहे हैं, ऐसा कोई यू नो बहुत रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक है। बट होता क्या है कि 1850 के बाद, आफ्टर 1850, तीन मेन रीजन, सबसे बड़ा जो रीजन है वो है इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। तो अब ये इंपोर्ट होने लग गया है तो हमारे जो आयरन स्मिथ्स हैं, यानी कि जो बर्तन वर्तन बनाते हैं, सामान बनाते हैं, अब वो ये स्टील खरीदने लगेंगे बिकॉज कंपैरेटिवली चीप भी पड़ रहा है। दूसरा बड़ा रीजन है फॉरेस्ट लॉस। अब भाई यहाँ पे आग लगाने के लिए, इन भट्टियों में, इन फर्नेसेस में आग जलाने के लिए आपको टिम्बर की ज़रूरत पड़ती है, लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, वुड की ज़रूरत पड़ती है, बट बिकॉज ऑफ दीज फॉरेस्ट लॉज अब ये टिम्बर एक्सपेंसिव होता जा रहा है, या फिर वो रिजर्व फॉरेस्ट हो गया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गया है, तो वहाँ पे एंट्री भी अलाउड नहीं है। तीसरा, वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट है, सिचुएशन ख़राब है, बट साथ ही साथ बहुत सारे फैमिन्स भी आ रहे हैं, तो ये जो है रही कहीं कसर भी ये फैमिन्स पूरी कर देंगे और ये इंडस्ट्री, जो हमारी इंडस्ट्री है, ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तो 1850s के बाद जो है सर्वाइव कर पाना हमारे आयरन स्मेल्टर्स के लिए बिल्कुल भी मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे कि अगरिया करके कम्युनिटी है इन सेंट्रल इंडिया, अगरियाज, एंड दे वर ग्रेट स्मेल्टर्स, है ना, ओर से आयरन निकालने का काम बहुत बढ़िया करते थे ये, स्टील वगैरह यू नो रॉ स्टील जो है बहुत बढ़िया प्रोवाइड कर सकते थे ये, बट बिकॉज ऑफ दीज सिचुएशन जो हमने डिस्कस करा, उन्हें अपने गांव छोड़ के जाने पड़ा, वो भट्टियां फिर दोबारा कभी चली ही नहीं। दोबारा इंडिया में आयरन स्टील की एंट्री हो रही है विद टाटा। तो 1904 में चार्ल्स वेल्ड हैं और दोरबजी टाटा हैं, ये लोग सर्च कर रहे हैं कि हमको कहीं से अच्छा आयरन मिल जाए और हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगा सकें। तो इनको भी अगरियाज ही मदद करेंगे, बताएंगे कि देखो यहाँ कहीं अच्छा स्टील मिलता है, राजहरा हिल्स लेकर जाएंगे, राइट। फाइनली वो एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप सेटअप करेंगे जमशेदपुर में,
राइट, और ये जो अगरियास ने जो हेल्प करी थी उसी के थ्रू आगे जाके भीलाई स्टील प्लांट बनेगा। नाउ इनिशियली अंग्रेजों के हिसाब से ये जो हमारा इंडियन आयरन है ये रेलवे के लिए सूटेबल नहीं है। 1912 से आपके टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को ने प्रोडक्शन चालू कर दिया था, बट क्या मार्केट उसके पास है? नहीं, मार्केट की यहाँ पे कमी है ना, कहाँ पे इसको सेल करेंगे। बट वर्ल्ड वॉर हो गया। अब वर्ल्ड वॉर में क्या हो रहा है कि ब्रिटेन से जो सप्लाई है वो नहीं आ पा रही है, यूरोप से सप्लाई नहीं आ पा रही है। इन दैट केस इंडियन रेलवेज विल सोर्स स्टील फ्रॉम टाटा आयरन। 1919 तक आते आते 90% जो स्टील प्रोडक्शन है टाटा का, टिस्को का, वो इंडियन गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट उसको कंज्यूम कर रही है। तो ये एक बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट हो गई, टिस्को उसमें यू कैन से पाइनियर निकला। राइट, टाटा आयरन स्टील देखिए यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रही है। प्लस जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली गई आपकी फैक्ट्री भी जो है धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। राइट, नए नए पावर हाउसेज आप लगाने लगे, नए नए बॉयलर्स लगाने लगे, तो एक बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे क्रिएट हुई टाटा आयरन स्टील कंपनी। ओके, सो दिस वॉज योर बेसिकली चैप्टर सिक्स। लास्ट में एक जो है एक इन्होंने एक परसेप्ट, एक बेसिकली पैराग्राफ दिया है जापान के इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। जापान का इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज यू कैन से फोर्स्ड, डिजाइंड, कैलकुलेटेड। तो मैजी रिजिम थी 1868 में जो कि इंडस्ट्रियलाइज होने की पूरी कोशिश करती है, जापान को इंडस्ट्रियलाइज बनाती है। रीज़न क्या था, क्यों कर रहे थे ऐसा? वो रोकना चाहते थे वेस्टर्न डोमिनेशन को। वो नहीं चाहते थे कि जापान भी किसी यूरोपियन कंपनी की या यूरोपियन कंट्री की कॉलोनी क्रिएट हो जाए। एंड दैट इज द रीज़न दे वेंट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उन्होंने चालू किया अपने पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राफ, रेलवे, स्टीम पावर, शिपिंग एंड ऑल, ये सब डेवलप किया। वेस्ट भेजा बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को कि हाँ वेस्ट में जाओ और सीख कर आओ कि वहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी है, क्या जो है यू नो स्टाइल है उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कैसे इंडस्ट्रियलाइज हुए, और सेम चीज़ ला कर इम्प्लीमेंट करिए जापान में। तो ये बेसिकली फोर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन है या बेसिकली जो है डिज़ाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो जापान में हो रहा है। राइट, बाहर से फॉरेन एक्सपर्ट्स मंगाए जा रहे हैं कि जो जापान में बता रहे हैं कि कैसे इंडस्ट्री सेटअप हो गए एंड ऑल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है गवर्नमेंट पहले लार्ज इंडस्ट्रीज चालू करेगी और फिर उसको कम दामों पे बिजनेस फैमिलीज को सेल कर देगी रन करने के लिए, और इसके थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो इंडिया में बेसिकली कॉलोनियल डोमिनेशन बैरियर है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और इसी का खौफ जापान में बेसिकली उसके लिए पुश है। तो खैर, इसी थॉट के साथ ये चैप्टर हम कंक्लूड करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड जो है ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल। डू लाइक इस वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ भी ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। और बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे चैप्टर 7 की। बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।